आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन मौके पर आज हम बात करेंगे उस वीरांगना की जो साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो छांसी वाली रानी थी। वीरता और बुद्धि की उस देवी को मेरा शत शत नमन। 1857 की क्रांति का दौर था वो, आतताई अंग्रेज साम दाम दंड भेद हर उपाय से देश पर कब्जा करने की फिराक में थे। झांसी के राज्य पर उन्होंने यह कहकर कब्जा कर लिया कि राजा निसंतान स्वर्गवासी हो गए हैं। लिहाजा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मुताबिक रानी लक्ष्मीबाई को अपना राज्य अंग्रेजों को सौंपना होगा। अंग्रेजी फरमान सुनते ही रानी ने हुंकार लगाई, मैं झांसी नहीं दूंगी। जवाब में अंग्रेजों ने किले की घेराबंदी शुरू कर दी। महल के अंदर रहकर मुकाबला मुमकिन नहीं था। रानी ने खुले मैदान में मोर्चा संभालने का निश्चय किया और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़ा किले से नीचे कुदा दिया। रानी के इस साहस और शौर्य के साक्षी बने आजादी के दूसरे रणबांकुरे। अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर मां भारती के सपूतों का सेन नाद गूंजने लगा। रानी का विजय रथ अंग्रेजों के नापाक मंसूबे को रोनते हुए झांसी से आगे बढ़ चला। कालपी का किला फतह हुआ। ग्वालियर में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिल गई। राव साहब तात्या टोपे बांदा के नवाब जैसे क्रांति के दूसरे नायक भी रानी के साथ जुड़ने लगे। नाना साहब को पेशवा घोषित करके रानी ने अंग्रेजों को सात समुंदर पार भेजने की तैयारी कर ली। लेकिन नियति के दस्तावेज पर उस समय देश की आजादी नहीं लिखी थी। खतरे को भांपते हुए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत रानी लक्ष्मीबाई को परास्त करने में लगा दी। कोटा के सराय में हुई लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी लड़ाई साबित हुई। घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में तलवार, रस्सी को दांतों में और दत्तक पुत्र को पीठ पर संभाले रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। शत्रु सेना गाजर मूली की तरह कटने लगी। जब तक सांसों की डोर कायम रही रानी तलवार की धार पर शत्रुओं का नाम लिखती रही। शहीद हुई तो वो, अंग्रेज हुक्मरान भी उनके सामने नतमस्तक खड़े थे, जिन्हें लगता था कि चूड़ियों वाले हाथ में तलवार थामने की ताकत नहीं होती है। कर्नल मालेसन अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखते हैं, अंग्रेजों की नजरों में भले ही उसने लाख गुना किए हो, लेकिन अपने देशवासियों और देश की मिट्टी के लिए वो दिल में रची बसी है। रानी लक्ष्मीबाई की सांसों के हर एक कतरे पर भारत देश का नाम लिखा हुआ था। भारत की खातिर उनके योगदान को हमें कभी नहीं भूलना है। 17 जून 1858 का वो दिन था जब क्रांति की यह ज्योति अमर हो गई। जिस मंदिर प्रांगण में उन्होंने अंतिम सांस ली थी वहां उनके आखिरी शब्द थे, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। रानी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई। पंच तत्व में विलीन रानी लक्ष्मीबाई को देखकर शत्रुओं ने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन तब उन्हें कहां खबर थी कि आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी की अंगारी और जो अलग रानी लक्ष्मीबाई ने जगाई है वो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के सूरज को अस्त करके रख देगा। आजादी की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मेरा पुनः कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय स्वतंत्रता संग्राम, जय भारत।